अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। भारतीय संस्कृति के आधार पर भूत, वेद, उपनिष्ठ, गीता, महाभारत, रामायण आदि ग्रंथों की भाषा संस्कृत भाषा है। प्रचार व प्रसार के लिए संस्कृत भारती के द्वारा संस्कृतनिष्ठ देशभक्त संस्कृत के विज्ञान तैयार करने के लिए 12 से 23 जुलाई तक संस्कृत भारती उत्तर क्षेत्र द्वारा संस्कृत प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा व दिल्ली आदि राज्यों में 45 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। इस कार्यक्रम में विशेष रूप से संस्कृत शिक्षा दिनचर्या एवं भारत के संस्कृत भाषा को बनाने शुभकर्मों व प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके निर्देशन चांद किरण सैलुजा, डॉक्टर परमेश कुमार शर्मा, श्री लाल बहादुर संस्कृत विद्यापीठ नई दिल्ली, मान्य दिनेश कामक, अखिल भारतीय संस्कृत संगठन मंत्री, भारती श्रीमान महेश जोशी क्षेत्रीय निदेशक, डॉक्टर श्रीयांश द्विवेदी उपाध्यक्ष, अशोक जिला संयोजक आदि जयप्रकाश से व्यवहारिक विषयों पर प्रकाश डालने के लिए कहा कि हमें समाज के अनुकूल आचरण करना चाहिए, जिससे हम समाज के उत्थान का सहयोग कर सके। हरियाणा राज्य के शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान संबोधन में कहा कि संस्कृत वैज्ञानिक भाषा है, इसे हमारे क्षेत्र के लोग संस्कृत को चाहते हैं। संस्कृत भारती महेंद्रगढ़ में आयोजन करके हमें उपकृत किया है, इसलिए हम उनके आभारी हैं। अपना ये वर्ग संस्कृत भारती का 12 तारीख से प्रारंभ हो रहा है और जितने भी अपने यहाँ लोग हैं संस्कृत प्रेमी हैं वो सभी बढ़ चढ़ कर यहाँ सहयोग कर रहे हैं और ये वर्ग ठीक ढंग से चले इसकी चिंता सभी कार्यकर्ताओं को है और बढ़िया चल रहा है और ये महसूस कर रहे हैं कि महेंद्रगढ़ जैसे पिछड़े इलाके में भी इस प्रकार का वर्ग सुसंपन्न हो सकता है, ये हम पहली बार अनुभव कर रहे हैं और अच्छा प्रचार का चल रहा है और बढ़िया आने वाले जो उत्तर क्षेत्र के पांच प्रांतों से आए हैं वो बढ़िया महसूस कर रहे हैं। हम सबका सहयोग इसमें रहा है और कोई त्रुटि अगर रही होगी तो आगे कोई इस प्रकार का मौका मिला तो आगे सुधार करने का प्रयास करें। यहाँ जो ब्राह्मण धर्मशाला महेंद्रगढ़ में संस्कृत भारती द्वारा विस्तारक वर्ग प्रारंभ किया गया, ये हरियाणा में पहली बार इस तरह का विस्तारक वर्ग हो रहा है और पांच प्रांतों से इसमें सहभागी शामिल हो रहे हैं। सबसे पहले तो मैं बधाई देता हूँ हमारे अखिल भारतीय संगठन को, उन्होंने महेंद्रगढ़ हरियाणा में महेंद्रगढ़ जैसे शहर का चयन इस कार्यक्रम के लिए किया है, मैं उनका महेंद्रगढ़ शहर की तरफ से आभार प्रकट करता हूँ। ये जो लोग विस्तारक वर्ग में आए हैं ये समस्त भारत में जाकर सारे भारत में संस्कृत का प्रचार प्रसार करेंगे, सब लोगों को बोलने में संस्कृत भारती के पक्ष की तरफ से उनको तैयार करेंगे, वह बाल किरट शाखा लगाएंगे, अनेकों विधियों द्वारा संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार करेंगे। उनमें हमारी बहनें 10 बहनें आई हुई हैं तथा 35 भाई आए हुए हैं पांचों प्रांतों से, यहाँ उनके लिए कोई असुविधा नहीं, रहने के लिए सारा शहर सब लोगों में बड़ी भारी उत्साह है, संस्कृत के प्रति सब पूछ रहे हैं और वो लोग ये भी पूछ रहे हैं कि यहाँ अगला वर्ग कब लगेगा, हम भी सीखना चाहते हैं। किन किन राज्यों से विद्यार्थी आ रहे हैं? जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा व दिल्ली, उत्तर क्षेत्र संगठन का ये विस्तार वर्ग है। जो आप ये कार्यक्रम कर रहे हैं संस्कृत का, क्या कार्यक्रम है और किस प्रकार से बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इधर कम से कम एक विचार बनाया और इसमें प्रश्न आए। तो ये वस्तुतः भारत में जो भारतीय संस्कृति का सम्मान होना चाहिए वो आज हमारे देश में नहीं हो रहा है, क्योंकि भारतीय संस्कृति के प्रचारक प्रसारक और वो संस्कृति का जो तत्व है वो समस्त हमारे वेद वैदिक वाङ्मय में, जो कि सब संस्कृत में है, वेद, इतिहास, पुराण, महाभारत, रामायण, गीता, तो उन ग्रंथों को पढ़ने के योग्य हमें नागरिक पैदा करने होंगे। इसलिए संस्कृत भारती इस कार्य के लिए तत्पर है और कटिबद्ध है। अतः संस्कृत भारती प्रत्येक नागरिक को संस्कृत में प्रवीण बनाने के लिए उद्यत है और जब तक हमारे लोगों को संस्कृत नहीं आएगी, संस्कृत भाषा का ज्ञान नहीं होगा, तब तक वो वेद, इतिहास और रामायण पर बात करने के लिए अधिकृत कैसे हो सकते हैं। अतः भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए
हम संस्कृतज्ञों को पैदा करने के लिए हमारी जो संस्कृत भारती का ये उत्तम प्रयास है, और बल्कि भारत में ही नहीं संस्कृत भारती 40 देशों में इस प्रकार से संस्कृतज्ञ पैदा करने के लिए हमने अभियान शुरू किया है, जिसके तहत ये हम प्रारंभ में कुछ संभाषण शिविरों के माध्यम से, संस्कृत वर्गों के माध्यम से, संस्कृत प्रशिक्षण के माध्यम से अच्छे अच्छे बच्चों का चयन करते हैं, फिर उनको तराशने का कार्य ये हो रहा है। उसी श्रृंखला में ये जो हमारे उत्तर भारत के आपने ये देखा कार्यक्रम, इसमें हमारे 45 लोग हैं, जिनमें हरियाणा से 11 हैं, और ये मैं तो ये अपने आप को ये धन्य मानता हूँ कि हमारे हरियाणा राज्य के इस महेंद्रगढ़ में, जो वस्तुतः एक ऐतिहासिक नगर है, तो ऐसे महेंद्रगढ़ में सर्वप्रथम ये कार्यक्रम हमारा ये होने का अवसर हमें प्रदान किया, इसलिए हम महेंद्रगढ़ निवासियों को, सभी संस्कृत प्रेमियों को, सभी को मैं सभी का अभिनंदन करता हूँ संस्कृत भारती की ओर से। महेंद्रगढ़ से दिनेश यादव की रिपोर्ट, हर न्यूज़ हरियाणा।